जब गंगा ने परिक्रमा लगाने के लिए बोला कि तुम मेरी साथ परिक्रमा लगा दो तो हम तुमसे विवाह करेंगे, स्यार ने कहा कि ये भी कोई बड़ी बात, हम अभी लगा रहे हैं। उसी समय हुआ क्या बताया भक्तो, अरे स्यार ने पैर बढ़ायो सूदो, सोचने लगी छह परिक्रमा लगा दी, एक परिक्रमा शेष है, अगर ये भी पूरा कर दिया इससे मेरी शादी होगी, और यदि शादी हो गई तो दुनिया मुझे बुरा भला कहेगी कि गंगा होते हुए स्यार के संग शादी करी, और वाई सब भैया भयो का। सोचा कि यदि इसने मेरी परिक्रमा लगा दी तो इसे शादी हो जाएगी, उसी समय भक्तों सातवा परिक्रमा उधर लगाने के लिए जा रहा था, तो आज देखिए क्या हुआ, गंगा मैया आज गोद में आई और स्यार को अपनी धार में ले जाती है, गोते लगा लगा के उसकी मृत्यु कर दी। जब मृत्यु हो जाती है उधर का परिक्रमा तो लगा दिया लेकिन इधर वापस लौट के नहीं आ पाया, साढ़े छह परिक्रमा लगा दिए भक्तों, सुने आधा परिक्रमा शेष रह गया और नहीं लग पाया, उसकी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो कुछ समय बाद गंगा मैया के किनारे कुछ सप्तऋषि आए,
और जब सप्तऋषि आए तो उन्होंने देखा कि गंगा उफान लेकर के बह रही है और उन्हें पार होना है। जब देखा कि पार नहीं हो पा रहे तो आपस में विचार बनाया और उन्होंने कुछ कूड़ा इकट्ठा किया और आज कहने लगे भैया चलो अपने अपने सत्य से पार होंगे। और क्या हुआ भैया बताया,